हाँ जी सड़क बनूगी तो जरूर, पर बनूगी एंड वाले दिनों जो वोटों का दौर चलूगा उदो बननी है, ये उदा ही रहनी है, चार साल इतने बने। डेली एक्सीडेंट होता है, डेली पैर टूटता है, अरे पूरा लगता कूड़ा घर बन गया है सड़क, जाके देखो आगे। हाँ सरकार तो जी आती है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं करती कुछ नहीं है, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहा है। मेरा रात से एक्सीडेंट हुआ सी है। अच्छा। मेरा इकाई में 40,000 रुपये लग गया जी। एक्सीडेंट भी होंगे ने, जो इधरली साइड तो चला गया, जो उधरों कोई रोंग साइड आता पे उत्ते एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ थोड़े नाल साक्षी। सो फिलहाल असी खड़े हाँ लुधियाना के हल्का ईस्ट च पेंदे पॉश एरिया जिन्हों कहा जाता है 32 सैक्टर के बाहर। बिल्कुल 32 सैक्टर का तुसी बोर्ड देख सकते हो, इतों की एंट्री है जो 32 सैक्टर की होंगी है। तो एंट्री तो पहले की तस्वीर तुहानू जरूर दिखावांगे कि हालात ने इस पॉश एरिया के। तकरीबन 6 तो 7 महीने हो चुके ने सानू इस रोड न देखते हुए कि रोड के हालात जो ने दिन ब दिन बदतर होंगे जा रहे हैं। पहला एक साइड बंद की गई सी क्योंकि इस एक साइड की मेंटेनेंस होनी सी, लेकिन मेंटेनेंस तो नहीं हुई बंद होए, बल्कि एक साइड बंद होने दे नाल ट्रैफिक जो डाइवर्ट होया दूजी साइड उहदे नाल ओ सड़क भी जो है खराब हो चुकी है। फिलहाल एक साइड तो इस तरह की बदतर हालात हो चुके हैं कि लोगों का कूड़ा कचरा जो लोग सुटते हैं या फिर जो कैरी करके जाते हैं कूड़ा कचरा वह भी सड़कों पर सुटिया होया है। बिल्कुल हालात तुसी देख सकते हो, लोगों का आन जान का राह है 32 सैक्टर वाला, है मेन एरिया है, मेन सड़क है, तो मेन सड़क के की हालात ने तुहानू दिखा रहे हैं तस्वीर। लोगों के नाल भी गलबात करांगे जिन्हों का रोज़ आना जाना रहिंदा है, किन्ने क उन्होंने दिक्कत आदि ने, तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी जो है ये बन चुका है, क्योंकि इतने रोज़ जो है किसी न किसी का एक्सीडेंट होंदा है, किसी चोट लगती, किसी ज़्यादा सट्ट भी लग जाती है। सो तस्वीर तुम दिखा रहे हैं, तो आम जनता के नाल गलबात कर दिया कि कहना चाहेंगे इस रोड के बारे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी रोज का आना जाना रहता है? जी बिल्कुल रोज का जी। की कहना चाहोगे कदो तो ये हालात ने सड़क? ये तकरीबन 3-4 महीने से बहुत हालात खराब है, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहा है। हम लोग बहुत बुरी तरह मतलब समझ ले कि बुरा हाल है इस चीज का। एक साइड तो बनी नहीं हुई है, दूसरी साइड भी खराब हो रही है। दूसरी साइड भी खराब हो रही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल खराब हो रहा है जी। मतलब इस रोड पे आना जाना मुश्किल हुआ पड़ा हुआ है जी, रोज दा जी। की कहना चाहोगे सरकारा नु, वड्डे वादे कीते ने? की कहंगा, सरकार तो जेडी आती है वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं करती कुछ नहीं है। अपने तरफ से तो कोई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। एक्सीडेंट केस भी देखे थे गिरदे जी? बहुत सारे एक्सीडेंट, मेरा ही खुद हुआ था यहाँ पे। अच्छा। इस चौक पे खुद मेरा खुद का हुआ था एक्सीडेंट जी। सो होर भी लोग मौजूद ने, गलबात करदे आ। नमस्ते, क्या नाम आपका? रूपचंद नाम है मैडम जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਟ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਰੂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਨਾ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸਭ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਪਰਲਾ ਰੋਡ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋੜੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੁਕਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਨੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਆਨੇ, ਡੇਲੀ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ, ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਪੈਰ ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਤਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟੀਆ ਜਾਤਾ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਹੀਂ ਪੇ ਰਹਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਏ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਯਹਾਂ ਡੇਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਤਾ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਡੇਲੀ ਯਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕੂੜਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸੜਕ, जाके देखो आगे। हाँ, पॉश एरिया कहते हैं कि बड़ा सोना एरिया है इस जगह, उतना ही गंद है यहाँ, जितना 32 सेक्टर सोना एरिया उतना ही गंद है ये। हाँ जी सर, की नाम है तो? मेरा नाम बंटी है। बंटी जी, तो इतने ही रहते हो आसपास? हाँ जी हाँ जी, टिब्बा रोड से रहते हैं। टिब्बा रोड से क्या आना जाना लगे रहता? हाँ जी, इतों ही लंघी रोड, इधर
हाँ जी रोज दो तीन बार इतने लंघी दा हालात तो बहुत माड़े है जी सड़क देख लो पहले होंगे सड़क तो टोया हों टोए दे सड़क बनी है इन्ना माड़ा हाल है दौर चलूगा ओदो बननी है ए उद्दा ही रहनी है चार साल इद्दा ही बनी रहूगी है पता चल चुका है कि जदों सरकार बननी होंदी है लेकिन सिर्फ उदों ही वोटा लैण पिछे ही काम होंदा उस तो इलावा आम जनता दे लई कोई भी सहूलत नहीं दित्ती जांदी ए रोड जो है मेन रोड है 32 सैक्टर नूं टच होंदी है ते समराला चौंक वाली साइड भी जांदी है 32 सैक्टर मार्केट इत्थे बनी हुई है ते हालात तुसीं देख सकदे हो मार्केट दे भी तुहानूं हालात दिखावांगे कि किस तरह मार्केट जो है इत्थे बनाई गई है लोकां दी सहूलत लई पॉर्श मार्केट बनाई हुई है वड्डे वड्डे ब्रांड्स ने इत्थे अपना रेस्टोरेंट्स खाण पीण दी दुकानां जिम वड्डे वड्डे आए हुए ने लेकिन हालात सड़कां दे इहो जिहे ने कि लोग जो ने घबराउंदे ने कतराउंदे ने इत्थे आउण लई क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंदे ने सो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग जो है स्पीड जिन्हां दी स्लो हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल घट हो जाती है स्पीड इन्ने बुरे हालात ने इस सड़क दे सो होर भी लोगों नाल गलबात करते हैं जिहड़े कार्स दे विच आउंदे जाउंदे ने उहनां दा की कहना है बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग क्या नाम है सर आपका मिस्टर आशु माटा आशु जी की हाँ सड़का दे बारे बयान करना चाहोगे रोज आना जाना रहता है बहुत सड़क खराब है बहुत ज्यादा खराब है किथे रहंदे हो 32A 32 सेक्टर पॉर्श एरिया कहंदे है इस नु ते लगदा है पॉर्श एरिया बन गया है बिल्कुल मैम गंदा एरिया बन चुका है मैम यहां पानी बहुत ज्यादा बारिश में रेन में बहुत ज्यादा पानी खड़ा रहता है सड़क के कई बार टायर फट चुके हैं हमारे गाड़ियों के सो मतलब नुकसान ही नुकसान हो बिल्कुल नुकसान है जी की कहना चाहोगे सरकार नु बहुत बुरा हाल है मैम सड़का दा बिल्कुल सो फैमिलीज दे नाल लोग आ रहे ने तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां फिलहाल तां की हालात जो है बन चुके ने सड़क दे 32 सैक्टर पॉर्श एरिया मन्निया जांदा सी इस हलका ईस्ट दे विच पैंदा इह इलाका फिलहाल पॉर्श तां इहनूं किसे भी तरीके तों नहीं कहा जा सकदा जो तस्वीरां बनियां होईयां ने रोज़ हज़ारां लोगों का इत्थों आण जाण रहिंदा हज़ारां लोग अपने कम्मां कारां लई अपने घर जाण लई इत्थों दी आंदे जांदे ने ते हज़ारां लोगों विचों किन्ने लोग एक्सीडेंट दा शिकार भी बणदे ने सो कुछ होर तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆ ਸੜਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ पिछे टोए जे मतलब भर के चले गए जी फिर ओदा दा ही हाल हो गया जी आम जनता भी परेशान है बिल्कुल लोगों के कहना है कि सड़कों के हालात खराब ने सरकार काम नहीं करते हैं सो तस्वीर तुम्हें पहला मेन मार्केट दियां भी दिखा दें कुछ सो तस्वीर तुम्हें दिखाई 32 सैक्टर मेन रोड दियां किस तरह बद तो बदतर हालात होए पए ने मेन रोड के नाल ही मेन रोड के एडजॉइनिंग जो मार्केट है 32 सैक्टर मार्केट के नाम तो मशहूर है उस मार्केट के भी हालात तरसयोग ने सड़क टुटिया पे सड़क से मिट्टी रोड़े जो है पईया हुई ने ते नाल जो आम लोग ने वो भी परेशान होंदे ने इत्थे मार्केट बनी हुई है खाण पीन दीआं चीज़ां ने कपड़े दी दुकानां ने होर भी बहुत सारी दुकानां ने ते लोग इत्थे आंदे ने अपने इंजॉयमेंट दे लई खाण पीन दे लई जिम जो है अगे बने हुए ने वड्डे वड्डे ब्रांड्स जो ने इत्थे हैगे ने चाहे वह कपड़िया की गल करिए खाण पीन की गल करिए लेकिन मार्केट के हालात बहुत तरसयोग ने पॉर्श एरिया दे नाल ये मार्केट बनाई गई सी क्योंकि एक मार्केट की अपना ही एक रोब होंदा है इलाके दे विच लेकिन हालात देख के इस तरह लग रहा है कि मार्केट के तरसयोग हालात ने तो लोग परेशान ने लोग बोल बोल के थक चुके ने लेकिन सरकार इसते ध्यान नहीं देंगे एक बार होर तस्वीर जरूर दिखावे मार्केट दियाँ तुम देख सकते हो लोगों का आना जाना रहता है अज संडे दे दिन भी लोग आए हैं ताकि वह खाण पीन आए ने अपना फैमिली के नाल आते हैं लेकिन हालात देख के बहुत ही तरस आता है कि 32 सैक्टर हल्का ईस्ट चो जो ये पै रहा है उसके की हालात ने सो सरकार तो यही अपील करांगे कि जेकर वादे दावे किए जाते हैं सरकार बनन तो पहला तो उन्होंने बनन तो बाद भी पूरा किया जाए ना कि लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है इस सहूलत नू बनाया जाए कैमरामैन रोहित दे नाल साक्षी शर्मा
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਦ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ।